नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MLM ज्ञान ही ज्ञान पर एक बार फिर से। दोस्तों जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि Pollux Coin में जो वॉलेट क्रिएट करना है वो कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे उसको डाउनलोड करेंगे, ये सारा कुछ मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था। अब आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि Pollux Coin के इस वॉलेट में एक से ज्यादा वॉलेट कैसे बनाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, लगभग सभी लोगों के पास एक से ज्यादा अकाउंट है, तो उनको वॉलेट भी ज्यादा चाहिए होंगे। तो एक ही वॉलेट में हम कई सारे वॉलेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बीच से स्किप मत कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए। तो दोस्तों फिर से मैं हमेशा की तरह लेके आ गया हूं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर, और यहां पर आपको दिखाने वाला हूं कि Pollux में हम जो वॉलेट क्रिएट किए हैं उसमें मल्टीपल वॉलेट कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वॉलेट मैंने आपके सामने ओपन करके यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ ऐसा इंटरफेस का यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की ओर, यहाँ पर देखेंगे साइड में आपको एक तो यहाँ पे मिल जाता है स्कैनर का ऑप्शन, जहाँ पे आप कोई भी वॉलेट को स्कैन कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे मिलता है वॉलेट का, और उसमें साइन बना है प्लस का। दोस्तों सेम टू सेम ये आपको ट्रॉन प्रो लिंक याद दिलाएगा, सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पर Pollux Coin ने अपने वॉलेट को बनाया है ताकि उसके यूजर्स को ज़्यादा दिक्कत ना हो और बड़े आराम से अपने वॉलेट क्रिएट कर सकें। तो यहां पर हम इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे जहां पे प्लस का साइन था, और यहां पर आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको नया वॉलेट बनाना है तो आप जनरेट वॉलेट पे क्लिक करेंगे, और अगर पुराना कोई वॉलेट आपके पास बना हुआ है उसको इंपोर्ट करना है तो आप इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं, लेकिन हमें यहां पे नया वॉलेट ही बनाना है तो हम जनरेट वॉलेट पे क्लिक करेंगे, और आपसे यहाँ पर इस वॉलेट का पासवर्ड यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। तो आपने जो वॉलेट का पासवर्ड बना रखा है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे, और उसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर देंगे तो ये आपको लेके जाएगा नए पेज पर, जहाँ पे आपको पूरा नए वॉलेट का आपको सिर्फ एक नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप नाम की जगह पे जो भी नाम रखना चाहते हैं वॉलेट का वो यहाँ पे डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे वॉलेट 2 कर देता हूँ, नीचे एड्रेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और सबसे नीचे आपको आकर के यहाँ पर क्रिएट वॉलेट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने दूसरा वॉलेट यहाँ पर बनकर क्रिएट हो गया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि हम ट्रॉन प्रो लिंक में अपने वॉलेट चेंजेस करते थे, उसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे ऊपर जाके अपने नाम पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर हमारे सामने जो Pollux के दो वॉलेट बना के रखे हैं, एक हमारा पहले वाला और एक ये नया वाला यहाँ पर बनके आपके सामने शो हो रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप मल्टीपल वॉलेट बना सकते हैं, और आपके जितने सारे अकाउंट्स हैं उन पे आप इसको अपडेट कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पे बात करें हम जो 12 डिजिट्स हमारे आते हैं, जो सीड फ्रेज आते हैं उनकी अगर बात करें, तो यहाँ पर आपके जो नया वॉलेट आप इसमें लिंक करते हैं तो उसके सीड फ्रेज आपके सेम वही रहते हैं जो आपके फर्स्ट वॉलेट के होते हैं, क्योंकि उसी वॉलेट से रिलेटेड होके यहाँ पे बने ये वॉलेट बने हुए हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पे कंफर्मेशन करके ये आपको दिखा देता हूँ बना करके। तो यहाँ पे जैसे मैं अपना वॉलेट सिलेक्ट 2 करता हूँ और प्रोफाइल पे जाऊँगा, यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ प्रोफाइल पे जाएंगे, वॉलेट मैनेजमेंट पे जाएंगे, और यहाँ पर बैकअप निमोनिक पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर व्यू निमोनिक पे क्लिक करेंगे, और पासवर्ड यहाँ पे मैं डालूंगा अपना जो मैंने यहाँ पे पासवर्ड बनाया है वो डालूंगा, कंफर्म करूंगा, व्यू निमाने पे क्लिक करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर सेम टू सेम वही यहाँ पर ओपन होके आए हैं जो हमारे पुराने वॉलेट के थे। दोस्तों अगर आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है तो ठीक है, अगर ये ब्लैक हो रही है तो मैं यहाँ पे आपके साथ इमेजेस लगा दूंगा बाद में वीडियो एडिटिंग में। फिलहाल मैं अभी जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने मैंने यहाँ पे अपने फोन से दोनों से मैच कर लिए हैं, जो पुराना था और ये नया था, तो दोनों के सेम यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको बस एक अपना वॉलेट से बनाना है, उसके बाद जितने मल्टीपल आप वॉलेट बनाते जाएंगे उन सभी के निमोनिक कीज आपकी सेम रहेंगी, इसको आपको संभाल के रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और टीम में ज़्यादा से ज़्यादा अपना शेयर कीजिए ताकि वो सारे लोग अपना इस वॉलेट को क्रिएट कर सकें और अपने Pollux के जितने भी अकाउंट हैं उन सब पे इसको अपडेट कर सकें। तो आगे की जानकारी के लिए बने रहिए चैनल पर, नए वीडियो में आपको लेके आऊँगा Pollux Coin का जो नया अपडेटेड प्लान आ रहा है, इन्वेस्टमेंट जो प्लान आ रहा है वो लेके आऊंगा, और ज़्यादा इसकी जानकारी मैं आपको यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा ताकि नोटिफिकेशन पहले मिले और पहले आप सारी जानकारी हासिल कर सके। तो मिलता हूं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।